नमस्कार स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हिस्ट्री पोर्शन। दिस इज चैप्टर 3, नाज़ीज़म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इन दिस वीडियो वी विल कवर द ट्रीटी ऑफ वर्साय एंड रीजन फॉर द राइज ऑफ नाज़ीज़म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विद द ट्रीटी ऑफ वर्साय। वर्साय की संधि क्या है? वर्साय की संधि, तो वर्साय की संधि, वर्साय इज द नेम ऑफ अ प्लेस, 1919 में ये होता है। किसके किसके बीच में होता है? जर्मनी और एलाइड पावर के बीच में। एलाइड पावर कौन से होते हैं? हम जानते हैं फ्रांस है, ब्रिटेन है, रशिया है, यूएसए भी है, ये सब एलाइड पावर्स है। ये पीस ट्रीटी था, शांति समझौता था। इस पीस ट्रीटी में जर्मनी के ऊपर बहुत ही हार्श टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई किए गए थे। कड़ा रुख अपनाते हुए जर्मनी के ऊपर बहुत सारे, उसको ह्यूमिलिएट भी किया गया था, अपमानित भी किया गया था, उसको युद्ध का अपराधी भी घोषित किया गया था। जर्मनी वॉज डिक्लेयर्ड एज द गिल्टी ऑफ वॉर। 6 बिलियन यूरो उस टाइम में, उस जमाने में बहुत ही बड़ी रकम होती थी, उसके ऊपर ये थोपा गया था हर्जाना, कंपनसेशन। और इतना ही नहीं, जर्मनी को क्या क्या नुकसान हुआ हम देखेंगे। इसमें जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज पावर। जर्मनी को ये सब क्यों नुकसान होना पड़ा? क्योंकि जर्मनी हार गया था वर्ल्ड वॉर में, और हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि जो हार जाता था उसी के ऊपर कंपनसेशन, एक हर्जाना लगाया जाता था कि तुम्हारे कारण ये हमारा नुकसान हुआ है, तुम ही इसको भरोगे, तुम ही इसको कंपनसेट करोगे जो लॉस हुआ है। तो जर्मनी एक तो युद्ध में हार गया है, ऊपर से कंपनसेशन उसके ऊपर लगाया गया है, हार्श टर्म्स लगाए गए हैं उसके ऊपर, ह्यूमिलिएशन, उसको जो कि अपमानित भी किया जा रहा है। जर्मनी को क्या क्या नुकसान होता है? 6 बिलियन यहाँ पर होता है। इसके अलावा जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज पावर। हम जानते हैं कि पहले का जो दौर था वो कॉलोनियलिज्म का था, उपनिवेशवाद का था। जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ वो जो है कि दूसरे देशों में जाकर अपनी कॉलोनी को सेटअप किया था, जैसे कि अपना देश इंडिया जो कि ब्रिटिश कॉलोनी रही है, यानी ब्रिटेन से लोग आए यहाँ पर अपने व्यापार को फैलाए और पॉलिटिकल कंट्रोल भी किए और यहाँ के रिसोर्सेज पर भी कैप्चर किए। तो इंडिया वॉज ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। उसी तरीके से जर्मनी की भी कई सारे कॉलोनी थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जर्मनी की हार के बाद वो सारी कॉलोनी से मिलिट्री पावर वहाँ से हटाना पड़ता है जर्मनी को, और उस कॉलोनी पर उसका जो कैप्चर है, उसका जो रूल है, उसको हटा, सब हटा दिया जाता है। तो ये नुकसान हो जाता है। 1/10 पॉपुलेशन जो जर्मनी की रहती है वो भी नुकसान हो जाती है इसकी, हो जाती है। 13% टेरिटरी जो है जर्मनी का वो कई सारे देशों के द्वारा ले लिया जाता है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, लिथुआनिया है, पोलैंड है, डेनमार्क है, ये सब मिल करके ले लेते हैं देशों के द्वारा। जर्मनी का जो 75% आयरन रिजर्व था वो 4-5 देश मिल करके ले लेते हैं। 26% जो कोल था, कोल रिजर्व, कोयले का भंडार, वो भी ले लिया गया। तो जर्मनी का एक बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा होता है। अब ऐसे में ये ज़्यादा जो नुकसान होता है, और वाइमर रिपब्लिक उसी के शासनकाल में ये सारी जो है ये ट्रीटी हुई थी, फिर नेक्स्ट थिंग है रीजन फॉर द राइज ऑफ नाज़ीज़म। नेक्स्ट थिंग इज रीजन फॉर द राइज ऑफ नाज़ीज़म। नाज़ीज़म क्यों जर्मनी में ज्यादा पॉपुलर होता है, उसके क्या क्या रीजन है वो हम देखते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साय। सबसे पहले कि जो वर्साय की जो संधि हुई थी 1919 में, 1919
वो बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग था, वो बहुत ही उसके कंडीशन बहुत ही हार्श थे, और इसका ब्लेम पूरा लगाया गया वाइमर रिपब्लिक पर। और किसने लगाया? ये नाक्सी पार्टी ने ही लगाया। हम जानते हैं कि हर जगह जैसे दो अलग अलग पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, जब चुनाव का समय आता है तो एक दूसरे पर वो जो कि क्रिटिसाइज दूसरे को करते हैं कि इस पार्टी ने ये नहीं किया, इस पार्टी ने वो नहीं किया, इसके काम ऐसे हैं। इसी तरीके से नाक्सी पार्टी ने भी वाइमर रिपब्लिक को एक तरह से गिल्टी ऑफ वॉर के लिए वो किया। दूसरी बात कि उसमें फिर हम ये देखते हैं कि इसको नवंबर क्रिमिनल्स बोला गया। नवंबर क्रिमिनल्स का मतलब है, अभी हम लोग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, 1918 में 11th ऑफ नवंबर, ऑन 11th ऑफ नवंबर 1918 जर्मनी सरेंडर्ड इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। जर्मनी ने अपने आप को समर्पित किया था, आत्मसमर्पण कर दिया था, क्योंकि हार गई थी। और हारने के बाद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श टर्म्स वगैरह सब लगाए गए थे। फिर नेक्स्ट थिंग है प्रोपेगेशन ऑफ नेशनल ऑनर। नाक्सी पार्टी ने ये प्रचार किया कि इसमें नेशन फर्स्ट को बताया गया, इसमें एक्सट्रीम ऑनर, एक्सट्रीम नेशनलिज्म की बात की गई, अति राष्ट्रवाद जिसको हम कहते हैं। इसमें बोला गया कि जो जर्मनी है उसको सुपर पावर बनना चाहिए, क्योंकि जर्मनी में जो लोग हैं वो दुनिया में सबसे अच्छे लोग हैं। मास्टर रेस थ्योरी को भी इंट्रोड्यूस किया गया। फिर ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ स्पार्टसिस्ट लीग, हम लोग इसके पहले चैप्टर में पढ़े हैं सोवियत के बारे में। सोवियत क्या रहता है? सोवियत वॉज अ काउंसिल ऑफ सोल्जर्स एंड वर्कर्स, जो रशिया में होता है, और ये एक तरह से काउंसिल रहती है, पॉलिटिकल काउंसिल रहती है। और उसी स्टाइल में जर्मनी में भी कुछ ऐसे कम्युनिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे जो इस स्टाइल में, सोवियत के स्टाइल में ही वो चाहते थे कि शासन होना चाहिए। तो जब सोवियत स्टाइल में होना चाहिए थे, कुछ ऐसे भी लोग थे जो सोशलिस्ट थे और कुछ ऐसे भी लोग थे जो क्या थे, कम्युनिस्ट थे। तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, देयर वाज अ ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट। और इसका फायदा उठाता है नाक्सी पार्टी के लोग। फिर इसी तरीके से हाइपर इन्फ्लेशन इन जर्मनी, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम जानते हैं कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जर्मनी की जो इकॉनमी थी वो कोलैप्स हो गई, क्योंकि इसके ऊपर 6 बिलियन का कंपनसेशन इसके ऊपर थोपा गया। रूर और राइनलैंड, ये जर्मनी के दो मिनरल रिच एरिया थे, और इन पर कब्जा किसका हो गया? फ्रांस का और भी कंट्रीज का, और बहुत सारा हिस्सा 75% आयरन रिजर्व और 26% कोल रिजर्व एक कैप्चर कर लिया गया। 6 बिलियन का इसके ऊपर कंपनसेशन ला दिया गया। तो इससे जो है इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही खराब हो गई, और इससे क्या हो गया, हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। हम फिगर को समझ सकते हैं कि $1 वॉज इक्वल टू 9,88,60,000 मार्क। मार्क क्या है? मार्क जर्मनी की करेंसी है। इतने मार्क $1 के बराबर हो गया। अब आप समझ सकते हैं, यू कैन इमेजिन हाउ
वॉज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ जर्मनी। तो हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। पुअर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वाइमर रिपब्लिक, हम जानते हैं कि वाइमर रिपब्लिक जो कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही पुअर हो गया, वो नाकाम रही कई लेवल पर, कई स्तर पर, उसको वॉर क्रिमिनल भी घोषित किया गया। लास्ट पॉइंट है इसमें, करिश्मेटिक पर्सनालिटी ऑफ हिटलर। नाथसी पार्टी वॉज हेडेड बाई हिटलर, इट वॉज लेड बाई हिटलर, एंड हिटलर वॉज अ वेरी गुड ओरेटर। ओरेटर का मतलब होता है वक्ता, बोलने वाला, बहुत ही अच्छा। ही वॉज वेरी कोहरेंट, वो बहुत अच्छा बोलता था, और उसके बोलने का लोगों पर इतना ज़्यादा असर हुआ। उस टाइम नाथसी पार्टी ने जो भी विजन लाया सामने लोगों को, यह एक बहुत ही नया विजन था। लोगों को लगता था नहीं, इस विजन से वाकई में जर्मनी का बहुत ही ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे ढंग से हो सकता है। दैट इज वाई पीपल एक्सेप्टेड नाथसिज्म एंड द पॉलिसीज एंड द विजन ऑफ हिटलर, इसीलिए ये पॉपुलर हुआ।